हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल तारावती किचन्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनाने। फ्रेंड्स, टमाटर की खट्टी मीठी चटनी फ्रेंड्स आप बहुत बार बनाए होंगे। एक बार इस तरीके से बनाएं, जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो हम चल रहे हैं वीडियो को शुरू करने। तो देखिए, कढ़ाई में रख दिए हैं, सरसों को ऑयल में बनाएंगे। तो हम डाल दिए हैं, सरसों को ऑयल डाले हैं। देखिए, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, सौंफ और मंगरेल को हम डाल दिए हैं। तो हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। देखिए, मंगरेल को डाले हैं और जीरा, सौंफ, अदरक, मिर्च को एक काटे हैं तो हम डाल दिए हैं। अदरक को कूट कर डाले हैं तो डाल दिए हैं। काजू डाल दे रहे हैं, 12-15 पीस काजू का डाले हैं और इसे भी हम भून लेंगे हल्का सा ब्राउन होने तक। फिर हम टमाटर को डालेंगे। टमाटर की चटनी फ्रेंड्स बनाना हो तो इसे पके टमाटर से ही बनाइएगा। बिल्कुल पका टमाटर हो तभी चटनी अच्छी बनेगी। तो टमाटर बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। तो देखिए, हम हल्का सा रोस्ट काजू को कर लिए हैं। आधा केजी हमारा टमाटर है। तो देखिए, हल्का ब्राउन हमारा हो गया है काजू, ये देखिए। और सारी चीज़ जो अच्छी तरीके से पक गए हैं तो हम टमाटर को डाल दे रहे हैं। बिल्कुल पका टमाटर हम काटे हैं। तो देखिए, आधा केजी टमाटर हमारा है तो हम अच्छी तरीके से चला दे रहे हैं। और हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक ऐड करने से फ्रेंड्स क्या होगा कि टमाटर हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और चटनी भी अच्छी बनेगी। तो हम नमक को ऐड कर दे रहे हैं और चला देंगे अच्छी तरीके से। फिर हम ढक देंगे और सॉफ्ट होने देंगे। तो देखिए, चला दे रहे हैं, हमें ढक के पकाना है। तो देखिए, एक प्लेट से हम अच्छी तरीके से ढक दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरीके अभी हमें और पकाना है। अभी हम इसमें चीनी, गुड़, आप जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। तो हम गुड़ नहीं डाले हैं, चीनी से बनाए हैं। तो देखिए, 100 ग्राम से थोड़ा सा कम ही चीनी हम डाले हैं। आधा केजी टमाटर हमारा है तो उतने में हम इतना चीनी डाले हैं। देखिए, चला दे रहे हैं। टमाटर भी देखिए काफ़ी पक गया है अच्छी तरीके से। तो हम चला के अच्छी तरीके से चटनी को अभी ढककर पकने देंगे ताकि टमाटर हमारा और भी सॉफ्ट हो जाए और अभी चीनी भी पानी छोड़ेगा। तो इस तरीके से हमें चटनी को पकने देना है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे चटनी हमारी पक के तैयार हो गई है। तो चटनी बहुत ही टेस्टी बनी है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करें। मिलते हैं नई रेसिपी, नई वीडियो।